हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? क्या आपने नोटिस किया है कि आपके विंडोज 10 में आपका डाटा ऑटोमेटिकली खत्म हो जा रहा है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज 10 में ऐसा क्या हो रहा है कि आपकी डाटा अपने आप खत्म हो रही है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे उस डाटा वेस्टेज को रोक सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसू और आपका मेरे इस टेक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डाटा वेस्टेज कैसे बंद करनी है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डाटा वेस्टेज आखिर होती कहाँ कहाँ है। सबसे पहला कारण ये है कि विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ चेंजेस किए हैं। पहले हम अपडेट्स को अपनी मर्जी से इंस्टॉल कर सकते थे, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कर दिया है कि हम विंडोज 10 में अपडेट्स को रोक नहीं सकते, वो अपने आप हो जाएगी। तो इस तरह से भी आपकी डाटा यूज हो जाती है। जब अपडेट आती है तो आपकी डाटा अपने आप यूज हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। इसके अलावा डाटा वेस्टेज का दूसरा कारण ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 में एक और चेंजेस किए हैं। इसमें आपकी विंडोज 10 में जब आप कोई अपडेट करते हैं, उसकी डाटा आपकी कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए उसे अपलोड करती रहती है, ताकि दूसरे की अपडेट फास्ट हो, ताकि माइक्रोसॉफ्ट की सर्वर जो है उस पर सारा लोड ना पड़े। जैसे आप टोरेंट में भी देखते होंगे, जब आप डाउनलोड कंप्लीट करते हैं तो उसमें सीडिंग होती है, मतलब आप अपनी डाउनलोडेड डाटा को अपलोड करते हैं धीरे धीरे, ताकि दूसरे यूजर्स उसी डाटा को ज़्यादा फास्ट डाउनलोड कर पाए। उसे पीयर टू पीयर कनेक्शन कहते हैं, कि सभी यूजर्स अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं और किसी को वो डाउनलोड फास्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन टोरेंट में तो सीडिंग बहुत स्लो होता है, आप अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं, लेकिन विंडोज 10 में फुल स्पीड में होता है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो फुल स्पीड में आपकी डाटा यूज होगी। अगर आपकी लिमिटेड डाटा है तो पता चलेगा कि सारी डाटा खत्म हो गई। जब आपने विंडोज 10 इंस्टॉल किया था और उस टाइम आपने एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन कर लिया कस्टम इंस्टॉलेशन के बदले, तो आपकी जरूर उस तरह से डाटा वेस्टेज हो रही होगी। तो आज मैं उसे भी बंद करने का तरीका बताऊंगा। और डाटा वेस्टेज का तीसरा कारण ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 में वन ड्राइव को डाला है, जो कि आपकी डाटा को बैकअप करती है ऑनलाइन, लेकिन इसमें आपकी डाटा वेस्टेज होती है। तो आप इसे भी कैसे रोकें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, अब मैं आपको स्टेप टू स्टेप कैसे इन सभी डाटा वेस्टेज को रोकें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज 10 में जो आपकी डाटा वेस्टेज हो रही है अपलोड करने में अपडेट्स को, जिससे कि दूसरे की डाउनलोड फास्ट हो जाए, तो उसे कैसे रोकें आइए जानते हैं। सबसे पहले अपने विंडोज 10 के स्टार्ट मेन्यू में जाएं, उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करें, उसके बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाएं, उसके बाद आपको वहाँ एक ऑप्शन रहेगा एडवांस्ड ऑप्शन, आप एडवांस्ड ऑप्शन में जाएं, उसके बाद सेलेक्ट करें कि चूज हाउ अपडेट्स आर डिलीवर्ड। यहाँ आप देखेंगे कि अपडेट्स फ्रॉम मोर देन वन प्लेसेस, यहाँ लिखा है कि व्हेन दिस इज टर्न्ड ऑन डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स यू सिलेक्टेड बिलो, मतलब कि आपकी कंप्यूटर लास्ट डाउनलोडेड विंडोज अपडेट को इंटरनेट पर अपलोड करेगी या फिर आपकी लोकल नेटवर्क पर अपलोड करेगी, मतलब जो भी आप सिलेक्ट करें वो। तो मैं तो कहूँगा कि आप डायरेक्ट इसे ऑफ ही कर दें। अगर आप लोकल नेटवर्क यूज करते हैं तो इसे ऑन करके पीसीज ऑन माई लोकल नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी डाटा लिमिटेड है तो मैं तो कहूँगा कि आप बिल्कुल इसे ऑफ ही कर दें, ताकि आपकी डाटा बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। तो इस तरह से आप अपनी डाटा वेस्टेज को रोक सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने अपडेट्स को कैसे कंट्रोल करें। इसके लिए विंडोज 10 होम में आप कम से कम वाईफाई कनेक्शन पे आप विंडोज अपडेट को रोक सकते हैं। जैसे इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्टार्ट, सेटिंग, नेटवर्क एंड इंटरनेट, वाईफाई में जाएं और जो भी नेटवर्क आपका कनेक्टेड है उसमें क्लिक करें, और उसमें जाके आप मीटर्ड कनेक्शन को ऑन कर दें। मीटर्ड कनेक्शन का मतलब ये हुआ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ये मान लेता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा इंटरनेट है, तो आप इससे आप माइक्रोसॉफ्ट को मैसेज दे सकते हैं कि मेरा इंटरनेट अनलिमिटेड नहीं है, आप थोड़ा कंट्रोल रखें। या फिर अगर आप बहुत सारे नेटवर्क पर कनेक्ट होते हैं तो मैनेज नोन नेटवर्क में आप अलग अलग से जाकर के सब में मीटर्ड कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट को मैसेज जाएगा कि आपकी डाटा लिमिटेड है। तो जब भी आप इन सब वाईफाई से कनेक्टेड होंगे तो आपकी अपडेट्स ऑटोमेटिक इंस्टॉल नहीं होगी, आपको बताया जाएगा कि कितनी एमबी की डाटा डाउनलोड करनी है, और आप जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तभी आपकी डाउनलोड होगी। लेकिन अगर आप इथरनेट से नेट यूज़ कर रहे हैं तो अभी उसमें मीटर्ड कनेक्शन का ऑप्शन नहीं है, तो अभी उसमें ऑटोमेटिक डाटा डाउनलोड हो ही जाएगी। और आइए अब बात करते हैं कि वन ड्राइव का डाटा कैसे रोकें। इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप टास्क मैनेजर में जाएं और उसमें जाकर के आप स्टार्टअप पे क्लिक करें, तो आप ड्रॉप बॉक्स में जाकर के उसे डिसेबल कर दें, और जब भी आपको अपनी डाटा बैकअप करनी हो तो आप खुद से ड्रॉप बॉक्स को खोल करके अपनी डाटा को बैकअप कर लें, उसके बाद फिर से ड्रॉप बॉक्स को बंद कर दें।
इस तरह से आपकी डाटा वेस्टेज नहीं होगी। इस तरीके से आप दूसरी ऐप्स को भी स्टार्टअप के लिए डिसेबल कर सकते हैं जो भी आपकी डाटा यूज करती है। अब मैं आपको जाते जाते ये बता देता हूँ कि आपकी डाटा वेस्टेज हो रही है, आप लाइव उसे कैसे देखेंगे। वैसे टास्क मैनेजर में आप देख सकते हैं लेकिन आप हमेशा उसे ऑन करके नहीं रख सकते। तो इसके लिए आप नेट बैलेंसर या डीयू मीटर इंस्टॉल कर लें, तो उसमें आपको टास्क बार के राइट कॉर्नर में आपको लाइव डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड दिखेगी, जिससे कि आप डाटा पे कंट्रोल रख सकते हैं। आपको पता रहेगा कितना डाटा यूज हो रहा है, कब डाटा यूज नहीं हो रहा है, तो आप इस तरह से अपनी डाटा पे कंट्रोल रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी और आप सभी बातों का ख्याल रखेंगे और आपकी डाटा वेस्टेज नहीं होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और भी इस तरह की टेक वीडियोज़ लेके आता रह सकूँ। तो आज के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।